ये रिश्ता क्या कहलाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने पर्सनली डॉक्टर व्यास को कॉल करके अब हीर की सर्जरी करने के लिए उन्हें मना लिया। थैंक यू। इट्स ओके मिसेस शर्मा। नो डॉक्टर रियली, अगर आप नहीं होते तो इतनी जल्दी ये सब कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। आई स्टिल कांट बिलीव डॉक्टर व्यास कल सुबह अब हीर की सर्जरी के लिए यहाँ आ रहे। मिस्टर शर्मा जी, इसमें कुछ फॉर्म्स हैं जिसपे आपके सिग्नेचर्स चाहिए होंगे, अगर कुछ डाउट है आप प्लीज पूछ लीजिएगा। जी। और हाँ, इसमें सर्जरी का बिल भी है जो प्रोसीजर के पहले आपको भरना होगा। हॉस्पिटल रूल्स यू सी। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट हो जाएगा। ग्रेट। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप जाके फॉर्म भर लीजिए, मैं बिल देख के। बिल तो जी कितना ही होगा अभी। क्या हुआ, कितना है बताइए। वो अभी को उदयपुर से वो लिफाफे मिले थे वो इसी के नीचे। काफी नहीं है अभिनव, बहुत कम है। जिसके लिए जान दे सकते हैं उसकी जान के लिए कीमत भी नहीं जुटा पा रहे।
बड़े पापा मुझे आपसे कुछ चाहिए। आपने अपने फोन क्यों छीना? मुझे बड़े पापा से बात करने लाइए। हम बड़े पापा से पैसे नहीं मांगेंगे। क्यों? हमारे पास कुछ नहीं है मना, हमें 20 लाख रुपए भरने, वरना अभीर की सौजरी नहीं होगी। और कोई रास्ता है क्या हमारे पास? हम और कुछ कर लेंगे, पर ये नहीं। क्या करेंगे? हम पाई पाई जोड़कर बड़े पापा को उनके सारे पैसे वापस कर देंगे, लेकिन इस वक्त मेरे बच्चे की जान का सवाल है। इस वक्त किसी से भी भीख मांगना पड़े ना, मैं मांग लूंगी अभिनव। नहीं, अगर अभीर की मम्मा उसके लिए डॉक्टर चुन सकती है तो अभीर का बाप उसके लिए पैसे ला सकता है। कैसे लाऊंगा, कहां से लाऊंगा नहीं पता। अभिनव आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा ना अक्षरा, कल सुबह तक अभीर के ऑपरेशन के पैसे मैं ले आऊंगा। भाई जी देखिए, जरूरत है इसीलिए आपको फोन किया है, वरना मैं आपको ऐसे फोन नहीं करती। अरे 10-50 क्या, आप 100 टूरिस्ट ले आए जी, कोई बात नहीं है, बस अगर एडवांस मिल जाता तो। मैं आपको साल भर का जान सप्लाई करूंगी, आप बस प्लीज एडवांस दे दीजिए प्लीज। हेलो हेलो जी, सुन मेरी बात सुनिए। देखिए 10 लाख एडवांस आपके लिए बड़ी बात नहीं है, एक बार अगर आप। मैं जाम भी आपको दे दूंगी और सेल्स भी देख लूंगी, आप बस प्लीज मुझे 5 लाख का एडवांस दे दीजिए ना प्लीज। हेलो कोई बात नहीं अच्छा, देखिए अभी अभी लिस्ट बाकी है, लगाइए फोन, लगाइए, हिम्मत मत हारिए। हेलो हरी सिंह जी, आपको पिछली बार जाम अच्छा लगा था ना, मैं आपको साल भर के लिए सप्लाई करूंगी, आप बस मुझे एडवांस दे दीजिए ना प्लीज। मेरी बात तो सुनिए। हेलो हाँ, अरे एक बार हेलो बात तो सुन लीजिए। हेलो जी 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 भाई जी नमस्ते। हेलो राजा भसल जी, जी आपको मैंने जान नहीं, नहीं मैं मेरी बात सुनिए, क्या कह रहा था कि वो अच्छा ठीक है कितना। हेलो 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 राजा जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। हेलो मम्मा पापा, आप दोनों क्या कर रहे हो? अभी तक जाग रहे हो, सोना नहीं है क्या? निकी जी तुम उठ क्यों गए? अभी सोने का टाइम है, चलो रूम में चलो, अभी सोएंगे ठीक है, हम भी चल रहे हैं। अभीर बेटा सब ठीक है ना, तुझे फिर से सांस नहीं आ रही क्या? नहीं मामा, पेटू में गड़गड़, पेटू खाना मांग रहा है। ध्यान रखिएगा, सर्जरी के लिए अभीर का 12 घंटे की फास्टिंग पे होना बहुत जरूरी है। और दूध भी दोगे तो मैं नाक बंद करके पी लूं, इतनी भूख लगी है। हारा, इस वक्त कुछ भी खाओगे कुछ भी पियोगे तो वो जो पेटू साफ करने वाली दवाई दी है काम कैसे करेगी यारा, है ना, फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा। प्लीज मेरा बच्चा। पर ऐसे तो मुझे नींद भी नहीं आएगी ना। आएगी ना बेटा, बिल्कुल आएगी, मम्मा तुझे सुनाएगी, चल आजा। ये रिश्ता क्या कहलाता है।